चलो प्रोफेसर जाबर के ऑफिस के बाहर का नजारा देखते हैं। चल चल। ये कौन है मीर जाफर की औलाद जिसने मेरे पीठ पे छुरा घोंपा है? खैर छोड़ूंगा नहीं, पहले इस पोस्ट की तर्दीद तो लिखूं। हेलो मिस्टर जाफर, व्हाट अ ग्रेट मैन यू आर। ट्रस्ट मी, मैं तो आपका फैन हो गया हूं। अरे देख वाह 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 प्रोफेसर साहब, भाई आपने तो कमाल कर दिया। वैसे बड़ा हौसला चाहिए प्रोफेसर साहब इस काम के लिए। ये काम प्रोफेसर जाबिर जैसा ग्रेट इंसान ही कर सकता है। वाह जाबिर साहब वाह, लोग सीखेंगे आपसे। फ्रैंकली स्पीकिंग सर, मुझे तो ये बात अब तक परेशान कर रही है कि नेहा जैसी टैलेंटेड स्टूडेंट के साथ भी कोई ज्यादती कर सकता है। आई नो तुमसे प्रोफेसर बदध्यानती हुई है, लेकिन उसका इतराफ तुमने सारी दुनिया के सामने किया। भाई मैंने तो खुश होकर वीसी से वो तुम्हारा जो यूके का रिसर्च का प्रपोजल है वो भी अप्रूव कर दिया। रियली सर? ऑफ कोर्स, सब जानते हैं तुम्हारी और कुतुब की टसल को। तुमने अपने हरीफ की बेटी के साथ होने वाली ज्यादती को जिस तरह से कबूल किया है, तुमने सबके दिल जीत लिए हैं। देखिए मुझे तो इस बात की खुशी है कि प्रोफेसर जाबिर ने एटलीस्ट मान तो लिया कि नेहा के टैलेंट को उसके बाप के नाम की जरूरत नहीं। योर ग्रेट प्रोफेसर जाबिर, आई एम सो सॉरी, मैं आपको खामखा गलत समझता रहा। वैसे प्रोफेसर जाबिर आप कुछ बोल नहीं रहे। ये बोलेंगे नहीं, इनको अब बोलने की जरूरत ही नहीं। सारी फैकल्टी, सारी यूनिवर्सिटी सब इनकी आला जर्फी की मिसालें दे रहे हैं। प्रोफेसर कुतुब, आज तो ट्रीट बनती है आपकी बेटी के टॉप करने पे। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, चले आए मेरे ऑफिस में। आइए। ओके प्रोफेसर, मिलते हैं। जी जी।